जी नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं 22 मार्च 2018 का राशिफल किस रूप से हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। मैं हूं दीपक कपूर। मेष राशि वालों के बढ़ते हुए खर्चों का असर ये हो रहा है कि रिश्ते भी कमजोर पड़ते चले जा रहे हैं। अपनी मेहनत और अपनी लगन में कमी आ जाएगी तो उसका असर बहुत दूर तक पड़ेगा। लोगों को नाराज करने से तो आपको बचना ही पड़ेगा। वृषभ राशि वालों को आपके अपने हर तरह से सहायता करना चाह रहे हैं, इसी वजह से आपके अंदर भी एक नई प्रेरणा का संचार हो रहा है ताकि आप अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी को बदल सकें। इसी तरह के अच्छे विचार इंसान को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि कामकाज हो या कारोबार, पढ़ाई लिखाई हो या आपकी मेहनत, हर रूप से आपके लिए अच्छी संभावनाएं बनती चली जा रही हैं। पर आपको अपने विचारों में बहुत धीमा बनना पड़ेगा ताकि किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचा जा सके। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लापरवाह ना हो जाएं। कर्क राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति बेहतर हो रही है, इसलिए आप कोई बड़ा खतरा मोल लेते चले जा रहे हैं, जबकि किसी भी तरह के विकल्प के रास्ते को आजमाने से कोई फायदा होने वाला नहीं। बेहतर ये होगा कि आप इस समय की स्थिति को संभालने की कोशिश कर लें ताकि आप अपनी चुनौतियों को भलीभांति संभाल भी सकें। सिंह राशि वालों से लोगों को संभालने में गलती हो रही है, इसलिए कामकाज पर भी इस बात का असर आ सकता है। कोशिश ये भी करनी होगी कि आपकी मेहनत सही दिशा में लगे और आपको उसका पूरा फायदा मिल जाए, पर ऐसे में लोगों से उलझने से तो आपको बचना ही होगा। कन्या राशि वाले अपनों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपना नुकसान करके भी आप लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। फिर भी लोग आपकी अच्छाई को नहीं समझ पा रहे, बल्कि आपकी कमियाँ ही निकाल रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति ऐसी नहीं है जिससे किसी भी तरह का खिलवाड़ किया जाए, इसलिए अपने विचारों को बहुत सख्त बना लेने में भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। बेहतर ये होगा कि आप अपनी सूझबूझ को बनाए रखें और उसमें व्यर्थ के उतार चढ़ाव ना आने दें। वृश्चिक राशि वालों का कामकाज में प्रदर्शन बढ़ेगा तो कई तरह की अच्छी संभावनाएं आपके लिए बनती चली जाएंगी, यहाँ तक कि दूर स्थान से जुड़े विकल्प भी आपको अपनी ओर खींचेंगे और ये सब कुछ आपकी अपनी काबिलियत से हो पाएगा। धनु राशि वालों के लिए भाग्यशाली समय और ज़िंदगी की खुशियाँ बनी रह सकती हैं। आप खुश भी हैं पर चिंतित भी हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें संभालने के लिए बहुत ज़्यादा धैर्य बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। मकर राशि वालों के लिए परेशानियां भी हैं और मेहनत के रास्ते में रुकावटें भी हैं। लोग आपके अच्छे प्रयास की आलोचना करें, ऐसा भी हो सकता है। ज़िंदगी में हर कदम पर जूझना तो पड़ता ही है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई बन रही है क्योंकि घर परिवार में आपके अपने आपके साथ हैं और जिस प्यार के रिश्ते से आप बहुत बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं उसमें छुपी हुई बहुत सारी कमियां साथ साथ हो सकती हैं। जहां अपनों से जुड़ने की बहुत सारी खुशी है आपके मन में, और वहां बहुत सारा तकरार भी है जो आपको आपकी कमियों से आगाह करा रहा है। मीन राशि वालों को लग रहा है कि लोग आपकी सहायता कर रहे हैं पर उस बात के पीछे बहुत सारी परेशानियां भी छुपी हुई हैं। वो सहायता भी दिखावे के लिए हो सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं है। ये था जी आप सबके लिए आज का राशिफल। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।